व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो ऑक्शन हुआ है टाटा आईपीएल 2022 का, सबसे पहली बात तो मेरे को अच्छा लगा कि टाटा जुड़ गया है आईपीएल से। और तो देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स डे वन पर बिके थे, कितनी कीमत में, तो उनकी क्या मतलब ऑक्शन प्राइस थी, मतलब कितने में उनको कौन सी टीम ने खरीदा है, तो लेट्स सी दिस। और डे टू पे भी अगर आप कमेंट करें तो डे टू का भी पूरी लिस्ट आप लोग के लेके आएंगे। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनके चैनल पर जाकर पूरी आईपीएल की डिटेल्स आपको ऑक्शन की मिल जाएगी। बहुत अमेजिंग तरीके से इन्होंने वीडियोज बनाई हुई, तो जरूर ओरिजिनल वीडियो के लिंक के थ्रू जाकर इनका चैनल जरूर चेकआउट करना। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के डे वन पर 70 से भी ज्यादा प्लेयर्स हुए सोल्ड आउट। तो चलिए दोस्तों सभी सोल्ड आउट प्लेयर्स की लिस्ट देख लेते हैं। प्लेयर नंबर वन है रविचंद्रन अश्विन, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर टू है ट्रेंट बोल्ट, जिन्हें भी राजस्थान रॉयल्स ने 8 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर थ्री है पैट कमिंस, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर फोर है श्रेयस अय्यर, जिन्हें भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर फाइव है क्विंटन डिकॉक, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर सिक्स है शिखर धवन, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर सेवन है कगिसो रबाड़ा, जिन्हें भी पंजाब किंग्स ने 9 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर एट है फैब डुप्लेसिस, जिन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 7 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर नाइन है डेविड वार्नर, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर टेन है मोहम्मद शमी, जिन्हें गुजरात टाइटन्स ने 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 11 है वनिंदु हसरंगा, जिन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 12 है मिचेल मार्श, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 13 है कृणाल पांड्या, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 14 है वॉशिंगटन सुंदर, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 15 है हर्षल पटेल, जिन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 16 है जेसन होल्डर, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 17 है नीतीश राणा, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 18 है देवदत्त पदिकल, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 7 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 19 है शिमरॉन हेटमायर, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 8 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 20 है मनीष पांडे, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 करोड़ 60 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 21 है अंबाती राइडू, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 21 है ईशन किशन, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 22 है जॉनी बेयरस्टो, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 6 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 23 है दिनेश कार्तिक, जिन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 5 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 24 है निकोलास पूरन, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 25 है दीपक चहर, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 26 है प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 10 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 27 है टी नटराजन, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 28 लोकी फर्ग्यूसन, जिन्हें गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 29 जॉश हेजलवुड, जिन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 7 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 30 मार्क वुड, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 31 भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 32 शार्दुल ठाकुर, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 33 राहुल चहर, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 5 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 34 युजवेंद्र चहल, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 6 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 35 मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 36
कुलदीप यादव जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 37 प्रियम गर्ग जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 38 डिवॉल्ड ब्रेविस जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 39 राहुल त्रिपाठी जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 40 अभिनव सदरगनी जिन्हें गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 41 अश्विन हैबर जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 42 रियान पराग जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 3 करोड़ 80 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 43 अभिषेक शर्मा जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 44 शाहरुख खान जिन्हें पंजाब किंग्स ने 9 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 45 सरफराज खान जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 46 शिवम मावी जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 47 जेसन रॉय जिन्हें गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 48 ड्वेन ब्रावो जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 49 दीपक हुड्डा जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 50 रॉबिन उथप्पा जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 51 कमलेश नागरकोटी जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 52 राहुल टेवटिया जिन्हें गुजरात टाइटंस ने 9 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 53 हरप्रीत ब्रार जिन्हें पंजाब किंग्स ने 3 करोड़ 80 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 54 शाबाश अहमद जिन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 55 KS भरत जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 56 अनुज रावत जिन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 3 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 57 प्रभ सिमरन सिंह जिन्हें पंजाब किंग्स ने 60 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 58 शेल्डन जैक्सन जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 60 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 59 बेसिल थम्पी जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 30 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 60 कार्तिक त्यागी जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 61 आकाश दीप जिन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 20 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 62 आवेश खान जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ में खरीदा है। प्लेयर नंबर 63 KM आसिफ जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 64 ईशन पोरेल जिन्हें पंजाब किंग्स ने 25 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 65 तुषार देशपांडे जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 66 अंकित सिंह राजपूत जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 50 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 67 नूर अहमद जिन्हें गुजरात टाइटंस ने 30 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 68 मुर्गन अश्विन जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 60 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 69 केसी करियप्पा जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 70 श्रेयस गोपाल जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 75 लाख में खरीदा है। प्लेयर नंबर 71 जगदीश सुचित जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 लाख में खरीदा है। तो दोस्तों IPL 2022 में आपका फेवरेट प्लेयर और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें शेयर बिल्कुल भाई कमेंट करें जरूर बताना कि फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका भाई। लेकिन एक वो देखा मैंने कि मुंबई इंडियंस ईशान किशन को चाहती थी और फ्यूचर कैप्टन भी हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के जिसको 15 करोड़ में खरीदा है एंड दीपक चार 14 करोड़। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन भाई जिनकी भी ऑक्शन में बहुत बढ़िया प्राइस लगी है। और ये चीज है कि अब की बार IPL और लंबा हो सकता है मेरे हिसाब से क्योंकि दो टीम और आ चुकी है गुजरात और लखनऊ। और तो अब देखो यूपी वालों को भी एक टीम मिल चुकी है सपोर्ट करने के लिए है ना। गुजरात को भी मिल गई मुंबई भी बहुत सारी कि मैं ये चाहता हूँ हरियाणा की भी टीम बन जाए हरियाणा की भी टीम बन जाए इनसाइड एज में थी ना भाई साहब। लेकिन ये चीज तो मैंने देखी है ये आज हम देखते हैं भाई इतने करोड़ इनको मिल रहे हैं इतने करोड़ भाई वो मिल रहे काबिलियत पर उनमें लोगों ने देखा क्रिकेट में तो बहुत मतलब
बहुत वो है घुसना। एक मैंने बहुत उसका डिफिकल्ट। बुमराह उसका इंटरव्यू देखा था, पांड्या है ना, हार्दिक पांड्या। हाँ, उसका इंटरव्यू देखा था कि उससे किसी ने पूछा कि अगर कोई बच्चा उससे पूछे कि मैं एजुकेशन या क्रिकेट, तो उसने ये चीज़ बोली थी कि मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि भाई एजुकेशन एजुकेशन को करो, कर, क्रिकेट बहुत क्योंकि डिफिकल्ट। करोड़ों लोगों में सही, 11 लोग 11 लोग ड्रग्स के इंडिया क्रिकेटर, के लिए, या हाँ फिर आप किसी भी वैसे भी उसके देखोगे लिए, तो हाँ मुश्किल से 1,000 लोग या 500 लोग हैं जो मैं पूरे साल में एक अच्छा करियर हाँ इवॉल्व अपने आप को बहुत, ढाल पाते थे। हाँ लेकिन ये है कि अगर आप में पैशन है तो दोनों चीज़ को बैलेंस आउट करके चलो, एजुकेशन। लेकिन अगर आज बात करें आईपीएल, तो भाई साहब आईपीएल वो स्पोर्ट्स इवेंट है जिसके लिए पूरे साल लेकिन वेट होता हाँ, है। लेकिन आईपीएल ने काफी जो यंगस्टर्स है ना उनको भी मौका मिला, ये बहुत चीज मौका मिला है। है और रिकग्निशन हाँ मिली है, हाँ रिकॉग्निशन मिली है, रिकग्निशन मिली हाँ है। और फेवरेट प्लेयर्स को देखना, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखना एक हाँ अपनी फेवरेट टीम के अंदर, मजा आता है पूरा कभी कई माहौल। बार ऐसा होता है ना कि ये और ये अगर एक टीम से और अब खेले दिल्ली की तो टीम में क्या आ चुकी है ना होगा। वार्नर, हो भाई साहब हाँ आएगा मजा, बहुत वो सारे फेर ब्रावो बदल देखे। वापस से ब्रावो उसमें है वापस ना, सीएसके में आ सीए, चुका है, रॉबिन हाँ उथप्पा आ चुके हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ आईपीएल होने वाला है ये सीजन में, आई एम श्योर। एंड आप किस टीम को सपोर्ट करते हो ये जरूर बताना। आपके साथ क्या इस साल आरसीबी जीत पाई, क्या क्या इस साल जीत क्वेश्चन पाएगी, मार्क या फिर क्या जो दो नई टीमें आई हैं लखनऊ और गुजरात हाँ वो वो बाजी देखने मार के में, जाएंगी, हाँ या फिर सीएसके इस बार फिर से। वन ऑफ माई फेवरेट टीम सीएसके भाई साहब, विसल और फोड़ो मुंबई इंडियंस, मेरी टीम तो सारी फेवरेट है। देखो मैच देखने में सारे मजा आते हैं, बस वो होता है ना कि हाँ एक वो धोनी जहाँ होते हैं तो थोड़े से वो दिल रहता हाँ है वहाँ पर। बाकी देखते हैं क्या होता है, मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन अच्छा लगा मेरे को कि इंडियन क्रिकेट और बड़े लेवल पर पहुंच रहा है, हाँ और बस बाकी स्पोर्ट्स भी ऐसे ग्रो करते रहे, ये चीज़ है। बाकी और वीडियो आप सेस कर सकते हो, अगर डे टू वाले ऑप्शन पे भी आप चाहते हो तो हम उसमें भी जितने प्लेयर्स उठते हैं तो उस पर भी रिएक्ट करेंगे जल्दी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक ठीक केयर। है।